नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इमित्र सीएससी हेल्पलाइन में। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इमित्र पे आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा कि जितना जल्द उसके आपका पुलिस वेरिफिकेशन इमित्र पोर्टल पे अपडेट करवाइए। तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन आप इमित्र पे अपडेट किस प्रकार से करवा सकते हो और ये क्यों मांगा जा रहा है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको आपके इमित्र से पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई कर देना है। अप्लाई किस प्रकार से करना है लगभग सभी इमित्र क्यों को पता है, क्योंकि सभी इमित्र काम करते हैं। अगर फिर भी किसी को नहीं पता है तो मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है, वो वीडियो देख लेना। वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगी, तो वहां से आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हो। हम बात करें ये क्यों मांगा जा रहा है, तो इसके अंदर हो सकता है, मेरा अनुमान बता रहा हूँ आपको, अगर आपका भी कोई और सुझाव है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हो। तो देखिए, हो सकता है कि जब उसने इमित्र लिया हो उस टाइम उस पर कोई भी FIR कोई भी मुकदमा दर्ज न हो, और उसके बाद में उस पर कोई FIR मुकदमा हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर उनसे ये पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जा रहा है। आपकी कोई सुझाव है या फिर आपको कोई ज़्यादा जानकारी है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि आप अपडेट किस प्रकार से करवा सकते हो। तो आपने इमित्र से अप्लाई करके आपका पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लिया। पुलिस वेरिफिकेशन अपडेट करने के लिए अभी इमित्र पोर्टल पे तो ऐसा कोई ऑप्शन आया नहीं है कि आप वहां से पुलिस वेरिफिकेशन अपडेट कर सकते हो। तो इसके लिए आपने जिस कंपनी का LSP से इमित्र ले रखा है, जिस LSP का आपके पास इमित्र है, आपको उसी LSP से संपर्क करना पड़ेगा। उस LSP से संपर्क करने के बाद में उनको PDF बना करके आपको पुलिस वेरिफिकेशन भेज देना है। पुलिस वेरिफिकेशन भेजने के बाद में वही LSP आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो आपके इमित्र पोर्टल पर अपडेट करेगी। इसी के साथ में अगर आपका भी यूजर बना करके भी काम करते हैं, यानी कि आपने मेन ID ले रखी है, उसके बाद आपके पास 2-3 लड़के या फिर कोई भी काम करते हैं, 2-3 बंदे काम करते हैं, उनको आपने यूजर बना रखा है, यूजर के साथ में वो यूजर का काम कर रहे हैं, यानी कि आपके इमित्र से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो आपके पास में काम करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उनका भी आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी रहेगा। जैसे हम कोई इमित्र ऑपरेटर ऐड करते हैं तो उस टाइम उनका पुलिस वेरिफिकेशन हमें देना पड़ता है, लेकिन अभी आप जो आपके पास में काम कर रहे हैं ऑपरेटर, उनका भी पुलिस वेरिफिकेशन आपको साथ में बनवा करके देना पड़ेगा, अन्यथा उन ऑपरेटर की ID डिएक्टिव हो जाएगी। तो यह बात भी आप सभी को ध्यान रखना है, सुनिश्चित करना है कि जितना जल्द उसके आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो आपकी इमित्र पोर्टल के अंदर अपडेट करवा ले आपकी LSP से संपर्क करके। अभी इमित्र पे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया, जैसे ही इमित्र पे ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो आपको एक अलग सी वीडियो बना करके बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको पुलिस वेरिफिकेशन आपके इमित्र पोर्टल पे अपडेट कर सकते हो। तो अगर आपके कोई सुझाव है, आप हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हो, या फिर आप कोई जानकारी हमारे साथ में साझा करना चाहते हो, या फिर आपको किसी अन्य टॉपिक में वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, आपकी कमेंट का 100% रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको कुछ नई जानकारी मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।